साल में एक फिल्म मैक्सिमम, नहीं तो एक टाइम पे एक फिल्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. दो फिल्में हम आमिर कर रहे हैं, कभी सुनेगा नहीं हम लोगों को, मिलेगा नहीं सुनने को. ये क्यों है? क्योंकि आमिर एक ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है, और एक ऐसे एक्टर हैं जिनमें इतना दम है कि वो एक साथ 12 फिल्में 20 फिल्में साइन कर लें, लेकिन तब भी फिल्म करेंगे तो एक. इसके पीछे जो इतिहास है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जब सरफरोश बना रहा था उस वक्त वो 4 फिल्में कर रहा था, और चारों फिल्म मेकर्स को बहुत सी तकलीफ हुई, क्योंकि एक फिल्म मेकर हर वक्त एक स्केड्यूल करने के बाद फिर से आके कहता था कि क्योंकि उनका फिल्म जो है 90% ख़त्म हो चुका था, 10% ही बचा था, तो प्रायोरिटी डेट्स उस प्रोड्यूसर को मिलता था. और जैसे ही वो शूट स्केड्यूल ख़त्म करके आ जाते थे आमिर बाकी के डेट्स के लिए, वो बोलता था नहीं मुझे रीशूट करना है, तो बाकी तीनों प्रोड्यूसरों को अपने डेट्स ऑल्टर करना पड़ता था. तो मेरा फिल्म जो है 1.5 साल बाद शुरू हुआ इसमें, और इस दौरान उन्होंने एक बार मुझे कहा कि जॉन माफ़ करना मुझे, लेकिन इसके बाद मैं कभी ज़िंदगी में 2 फिल्में नहीं करूँगा, सिर्फ 1 फिल्म करूँगा. और उसने अपना ज़बान रखा, वो पक्का है ज़बान का, क्योंकि उसके बाद उन्होंने सिर्फ 1 फिल्म ही किया. ये बहुत से लोग जब उनके पास काम नहीं होता है वो कहते हैं कि मैं अभी चूज़ी हो गया हूँ और मैं एक ही फिल्म, और उन्होंने राह दिखाया सारे इंडस्ट्री को कि मैं 1 फिल्म कर रहा हूँ और एक फिल्म में पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं. और इसमें आप समझ सकते हैं कि ये नहीं कि मतलब आमिर के लिए पैसे की अहमियत नहीं है, पैसा ये नहीं कि वो फ्री में करना चाहते या पैसा उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काम उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और वो एक फिल्म करता है एक साथ एक वक्त और उस पर सब कुछ लगा देता है, तो वो और लोग भी करना चाहिए, इसमें उनको क्रिटिसाइज़ करने की क्या ज़रूरत है. हॉलीवुड में लोग बोलते हैं हॉलीवुड जैसे बनना है, सब नाम भी बॉलीवुड बन गया, तो हॉलीवुड में जैसे करते हैं वैसे काम करो ना. एंजेलिना जोली या ब्रैड पिट हो या जो भी है, वो एक फिल्म करते हैं एक वक्त, 10 फिल्में नहीं करते. ये वही करते हैं जिनको पैसे के पीछे भागना है. आप मतलब आपको 10 फिल्में एक साथ करना है क्यों? सिर्फ लालच है इसके पीछे, और क्या है. जब जैसे सरफरोश थी, नसीरुद्दीन शाह जैसे परफॉर्मर उनके सामने है, तो अपनी परफॉर्मेंस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो नसीरुद्दीन शाह के सामने हैं, लोग उनको कभी कंपेयर नहीं करेंगे नसीरुद्दीन शाह की उनकी एक्टिंग नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग के साथ, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं उनके लिए आमिर खान है तो सुपरस्टार. लेकिन एज एन एक्टर आमिर ज़रूर ये सोचेंगे कि कहीं मैं नसीरुद्दीन शाह के सामने मतलब सीन को बैलेंस ख़राब ना कर दूँ एक्टिंग वाइज. तो वो कितने कॉन्शियस हैं इस बात को लेकर जब उसके सामने एक नसीरुद्दीन जैसे एक्टर परफॉर्मर है. मैं इतना कह सकता हूँ कि आमिर जब कैमरे के सामने खड़ा होता है और उसके सामने कोई भी हो, उसे वो परवाह नहीं है, उसको इतना ही है कि ये जो भी कर रहा है काम उनके सामने वो फिल्म के लिए कितना अच्छा है. क्योंकि मैं उदाहरण इसका ये देता हूँ कि एक नया एक्टर दिल्ली में मैं कर रहा था, NSD रिपोर्टरी का एक एक्टर था, सीनियर था हमसे, वो आमिर के सामने पहली बार काम कर रहा था. वो पुलिस वाले का रोल जिसमें वो थाने में से उसको बाहर निकाल के धक्का देता है, वो सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे और वो आदमी हिचक रहा था, वो डर रहा था, वो आमिर को धक्का ठीक से मार नहीं रहा था. तो एक दो टेक लिए हमने, फिर आमिर ने उनको अलग से ले लिया और कहा कि देखो मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेहरबानी करके मुझे धक्का दीजिए और जितना ज़ोर से आप देंगे उतना मेरे लिए अच्छा है. अब वो आदमी भी खुल के परफॉर्म करने शुरू कर दिया. अब वो जो डेडिकेशन है वो रोल की तरफ है, वो ये नहीं कि मैं इस एक्टर को अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, वो एटीट्यूड है नहीं. और वो कोई भी हो, ये वो कभी प्रूव नहीं करना चाहेंगे, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो या मार्लन ब्रांडो हो, कि देखो भाई मैं एक्टिंग कर रहा हूँ अभी आप मुझे देखो, उनका वो है ही नहीं, वो है बहुत से एक्टरों में. और ये जो है ये जो आउटलुक है ये गलत है, क्योंकि आप दोनों दो अलग कैरेक्टर्स के रोल कर रहे हैं. आप क्यों इस छोटी सी चीज़ को लेके आपस में ये कंपटीशन शुरू कर रहे हैं? अगर आपको कर दिखाना है तो खुद का फिल्म बनाओ और दिखाओ दुनिया को कि आप एक्टर हैं. अगर आप एक फिल्म में काम कर रहे हैं तो दूसरे को नीचापन मत दिखाइए, वहाँ पर अपनी होशियारी मत दिखाइए कि मैं इनसे देखो कितना अच्छा एक्टर हूँ. वो साबित करने के लिए उस फिल्म में क्या ज़रूरत है, अलग से फिल्म बनाओ अपना. तो आमिर का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, वो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि ये फिल्म में कितना अच्छा मैं कर सकता हूँ करूँगा. अरे भाई वहाँ पे जो ऑडियंस, ये जो है स्टार्स के दोस्त उनको समझाते हैं,
अरे ये सीन में तो फलाने ने तुम्हें खा लिया, खा लिया क्योंकि सीन ऐसे लिखा गया कि हर सीन में कभी कभी किसी को मार खाना पड़ता है, किसी को खिलाना पड़ता है, तो कैसे लिखा गया उस पर है ये नहीं। और एक्टर्स कॉम्पीट ज़रूर करते हैं लेकिन ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है, और ये स्टार्स के चमचा कहते हैं कि इसने फलाना खा लिया। अरे भाई क्यों, उनको समझ है उसका, लेकिन चढ़ाने वाले और फिल्म के मतलब ये लोग जो है फिल्म की अच्छापन के लिए नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने स्टार दोस्ती का फायदा उठाते हैं, ये पैदा करते हैं इस किस्म के बातें और इस किस्म की एटीट्यूड। जब एक आमिर खान की फिल्म खत्म हो गई, सरफरोश को रिलीज हुए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन एक वो डायरेक्टर या एक वो टीम जिसने आमिर के साथ मिलके एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एक उनके करियर की यादगार फिल्म बन गई है, वो कितने मतलब ये कहूँगी कि कितना बाद में कांटेक्ट रखते हैं उन लोगों के साथ, जैसे अभी तक कितने 99 में रिलीज हुई थी सरफरोश, अभी तक आपका उनके साथ किस तरह का संपर्क है, या आपको फोन करते रहते हैं या नहीं? मैंने कभी फिल्म के दौरान भी, फिल्म को बनते बनते 3 साल लगी, मैं कभी उन्हें मतलब वो फ़ोन उस वक्त रखते नहीं थे, तो मैंने कभी उनको बर्थडे विश नहीं किया, हैप्पी बर्थडे या इस किस्म के पर्सनल इंटरेक्शन हमारा नहीं है। लेकिन हर फिल्म रिलीज़ होने से पहले मुझे ज़रूर दिखाता है फिल्म, और मैं जो सोचता हूँ उस फिल्म के बारे में मेरा राय लेता है, और कभी भी हम मिले तो ऐसा नहीं लगता है कि हम बिछड़े थे या नहीं मिले बहुत दिन से, हमारा जो केमिस्ट्री है वापस वैसे ही शुरू हो जाता है। तो लेकिन मैं उनके साथ रोज टच में नहीं हूँ। आपके हिसाब से उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी कौन सी और क्यों है? मेरे हिसाब से मेरा फिल्म का ही है, लेकिन वो कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो फिल्म बनी अभी तारे जमीन पर, इसमें उनका सबसे ज़्यादा मेहनत नज़र आता है, मतलब इन अ पॉजिटिव वे मेहनत नज़र नहीं आता, लेकिन उनका काम जो है बहुत ज़बरदस्त है, और एक्टिंग और डायरेक्शन एक साथ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अपने फिल्म में ये फिल्म का मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ, ज़्यादा वजन इस फिल्म में है तारे ज़मीन पर, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक्टिंग और डायरेक्शन एक साथ करना, सब कुछ करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने कर दिखाया। हर तरह के रोल के, हालांकि लोगों ने उनको बहुत पसंद किया है इनिशियली रोमांटिक रोल्स में, उसके बाद सरफरोश वाज अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर ऑल द ऑडियंस, जैसे आपने कहा कि आपका मकसद ही था सरप्राइज देना, उसके बाद तारे जमीन पर जैसी फिल्म, मंगल पांडे जैसी फिल्म, रंग दे बसंती जैसी फिल्म, वो मतलब एक एक्टर है इसलिए इस तरह के वेरीड रोल्स कर रहा है, वैरायटी ऑफ रोल्स कर रहा है, और उसमें हर रोल को जस्टिफाई कर रहा है, या मतलब एक एक्टिंग स्किल है उनमें या कुछ और है आमिर में जो हर रोल में जो भी करते हैं उसमें फिट बैठ जाते हैं? देखो इसमें एक चीज़ है, कुछ लोग हैं जो अपने आप को स्टार समझते हैं और वो कुछ भी रोल करें वो स्टार्स, उनका जो इमेज है वही रहता है, सही एक्टर जो है ऐसा नहीं करते, वो हर कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, ये मैं कर रहा हूँ मंगल पांडे या मैं राठौड़ का रोल कर रहा हूँ, तो राठौड़ जैसे रोल निभाते हैं, ये नहीं कि वो राजा का रोल भी कर रहा है या रंग का रोल भी कर रहा है तो वैसे ही आमिर खान है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब आप बहुत पुअर एक्टर हो, आप स्टार ज़रूर होंगे लेकिन आपका जो लाइफ है इन हिस्ट्री वो कम है, और जैसे कि आमिर ने ऐड किया इनोवा का, उसमें 7-8 कैरेक्टर को दिखाए, इसमें हिंदुस्तान में कौन से दूसरे एक्टर को आप रख सकते ये करते हुए, वो इनोवा ऐड कोई और कर सकता है? कोई नहीं। और वो बात ये बात जो है बहुत से एक्टर समझते नहीं है, जो स्टार एक्टर थे वो समझते नहीं कि, और ये बात आप हॉलीवुड की कोई भी एक्टर, दुनिया के जो अच्छे एक्टर हैं उनके साथ ऐसे ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये क्या कहते हैं रॉबर्ट डी नीरो टैक्सी ड्राइवर में जो रोल कर रहा है वो गॉडफादर में अलग है, वो भी तो कर सकते हैं ना, हर एक टाइप का रॉबर्ट डी नीरो बन सकते हो, लेकिन वो जानते हैं कि अलग अलग रोल्स के लिए मुझे अलग बनना पड़ेगा, क्या है वो रेजिंग बुल में जो रोल किया है, तो इसको मेथड एक्टिंग कहो या जो भी कहो, ये एक कैरेक्टर एक एक्टर का फ़र्ज़ है कि जब वो एक रोल कर रहा है उस रोल में वो कितना उभर के आता है और कितने अलग रीच से वो कर सकते हैं,
बाकी लोगों को हैम बोलते भले वो स्टार्स है बट दे आर हैम्स बिकॉज दे डोंट नो द डिफरेंस दे आर ऑलवेज प्लेइंग द स्टार इमेज ऑफ दिस सो देर आर फ्यू स्टार्स हु अंडरस्टैंड दिस और ये बात को समझ के वो लोग अलग अलग रोल्स करते हैं बट आमिर फॉर्चुनेटली इज वन एक्सेप्शनल स्टार लाइक दैट कभी हमें आमिर को जैसे कहते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में नाम नहीं लूंगी जो सुपरस्टार हैं बट जब पब्लिसिटी की बात आती है तो मतलब जमकर पब्लिसिटी करते हैं अगर कोई मौका है इवेंट पर हमने कभी आमिर को इवेंट्स पर आते नहीं देखा जाता हमने आमिर को बहुत चीज़ों का इंडोर्समेंट करते नहीं देखा ब्रांड एम्बेसडर हैं वो लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दूसरी एड में हमें आमिर दिखाई दे रहे हैं वो कभी मीडिया के सामने ओवर एक्सपोजर नहीं करते हैं वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो चाहे वो एड फिल्म्स के जरिए हो ब्रांड एम्बेसडर हो किसी चीज़ के इंटरव्यूज हो या मीडिया में ज़बरदस्ती के कोई इशूज क्रिएट किए जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी उनको कुछ ये एक प्राइवेट लाइफ है जो मतलब एक डिमार्केशन है पूरी तरह से कि नहीं ये मेरा प्रोफेशनल फ्रंट है ये मेरा पर्सनल फ्रंट है और मैं इन दोनों को सेपरेट रखूँगा मतलब क्यों ऐसा है कि वो बाकी स्टार्स की तरह जो आज मीडिया को पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं वो नहीं कर रहे आमिर थोड़ा दूर है इन सबसे मेरे ख्याल से वो सही है ना क्योंकि आपका ये बात है कि वो पब्लिक फिगर है तो मीडिया में रहेंगे लेकिन उसका असर भी तो होता है आपके आपके परिवार पे आपके दोस्तों के साथ तो वो उस किस्म से वो मेरे ख्याल से सही कर रहा है कि जब फिल्म की पब्लिसिटी होती है उस वक्त तो बाहर आते मतलब अपनी फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं लेकिन उनका जो पर्सनल लाइफ है वो उनका है वो बाकी लोगों को उसके बारे में जानना या उसकी उसको वो पब्लिसिटी का माध्यम नहीं समझता है कि यहाँ भी मैं कुछ कर दिखाऊँ जहाँ पर लोग मेरे बारे में सोचे बात करें तो मुझे वो अच्छा ही लगता है कि आप अपने आप को उतना मतलब खुद का इज्जत इतना आप करते हैं कि आप सारी बातें दुनिया के सामने रखने की क्या जरूरत है वेलकम